हिंदू समाज गौ भक्त है। आज आधुनिक विज्ञान भी गौ माता की आवश्यकता को समझ चुका है। इस विषय पर शक्तिपीठ के परम पूज्य शक्ति महाराज माताजी का आशीर्वाद प्राप्त कर गौ महत्व विशद कर रहे हैं। समाचार संकलन अशोक भाई जोशी। आज श्री महाकाली माता जी की प्रेरणा से, महाकाली माता के आशीर्वाद से आज हम लोग अखिल भारत हिंदू महासभा महिला आघाड़ी आज हमारे सावरकर जी की शुभ मुहूर्त पे आई हुई है और इस पुण्य के उपलक्ष में बहुत महिलाओं को और कुछ जेंट्स लोगों को डायरेक्ट दिल्ली से नियुक्ति जो आई है पद की, उस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम भी लिया और मेन पुण्यतिथि के हिसाब से प्रोग्राम लिए। आज हमारे सभी नारी शक्ति और हमारे सभी माताएं बहनें और हमारे भाई लोगों के हस्ते दीप प्रज्वलन यहाँ पे कार्यक्रम हो चुका है। और आज हम लोग हमारे एक ही हिंदुत्ववादी का यह है कि हम लोग सभी मिलके हम लोग गौ रक्षा और गौ आंदोलन हर ग्रामीण विभाग में हम चला रहे हैं ये मिशन। और हमारे को माता के आशीर्वाद से जो जो महिलाओं को और जो हम लोगों को जो पद प्राप्त हुआ है उस पद प्राप्त किस किस को ये हमारे नितिन भाई आपको बता देंगे। और माता के आशीर्वाद से आज हम लोग महासभा आघाड़ी महिला इनके तरफ से और हमारे भाई बहनों के जय माता दी। वीर सावरकर 140वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज यह आयोजन किया गया है। खास तौर पर हिंदू एकता अखिल भारत हिंदू महासभा इस बैनर के तले हिंदू एकता को और अधिक मजबूत करने का यह प्रयास है, जिसमें शहर की बहुत महिलाएं, अधिकांश महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी सहभागी हो रहे हैं। हिंदू होने पर जितना सभी को गर्व है उतना ही गर्व महसूस होता है कि हम हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं। आवश्यकता है हिंदू राष्ट्र घोषित होने की, तो भविष्य में सभी के प्रयासों से मिलकर यह भारत देश हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित होगा, इसके लिए सभी का प्रयास है। गौ रक्षा के लिए जो प्रयास शुरू है, महाराष्ट्र में गौ हत्या पर प्रतिबंध है लेकिन इसके बावजूद इस तरह की गतिविधियां होती हैं। उस पर रोक लगाने के लिए और गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में घोषित करने के लिए परम पूज्य महाराज जी जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से आंदोलन शुरू है, उसमें सभी सहभागी हों, ऐसी मेरी अपील है।